सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप वीवो Y21 मोबाइल को कैसे फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो, यानी कि हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं करना। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल को रीसेट करने के लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। और सेटिंग में गाइस जाओगे तो यहाँ देखिए, इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको जाना है नीचे, और नीचे जाने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, तो यहाँ पर आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको मिल रहा है रीसेट ऑप्शन, तो रीसेट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे वाला ऑप्शन सबसे मिल रहा है आपको डिलीट ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना पैटर्न डाल देना है, जो भी आपका पैटर्न है, और जैसे ही डाल दोगे तो फिर से एक बार कन्फर्म करवाएगा इरेज ऑल डाटा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, तो आपका मोबाइल जो है प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, और आपका जो रीसेट वाला काम है, रीसेट का प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा। आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल न्यू मोबाइल की तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सेटअप करके जो है ऑन कर सकते हो। तो गाइस, अभी अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आपको बस यहाँ पर अभी ऑन हो जाएगा बिल्कुल नए मोबाइल की तरह, आपको बस उसको सेटअप कर लेना है, बस आपका मोबाइल रीसेट हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपने वीवो Y21 मोबाइल को रीसेट कर सकते हो।